तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली कोमल ढगराल ने अपनी प्रेगनेंसी वाली बात को कबूल कर लिया है। कोमल दीदी ने खुद बताया कि वो प्रेग्नेंट थी बट अभी नहीं है। अब ऐसा क्यों है वो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो देखते रहिए। आप सभी को तो पता है कि पिछले 6-7 महीनों से कोमल दीदी काफी ज्यादा इनएक्टिव थी अपने सोशल मीडिया यानी कि अपने इंस्टाग्राम पर, और हर बार पूछने पर वो कुछ ना कुछ रीजन दे देती थी। कभी वो कहती थी कि उनके दादा ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, और कभी कहती थी कि उनकी सासू माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ऑपरेशन हुआ है, जो कि बात सही भी थी। बट कुछ लोगों को यहाँ पर ये शक भी था कि कोमल दीदी प्रेग्नेंट है और अपनी प्रेगनेंसी की बात को छुपाने के लिए इंस्टाग्राम पर कुछ भी फोटोज और वीडियोस नहीं डाल रही। और कहीं ना कहीं लोगों का ये शक सही भी था, क्योंकि कल कोमल दीदी ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की जिसमें कि क्लियरली वो प्रेग्नेंट थी। इसी वीडियो के थ्रू हमें सच का पता भी चला है, क्योंकि इसी वीडियो पर उनको काफी सारे सेम कमेंट आ रहे थे। तो कोमल दीदी ने इस बार रिप्लाई किया कि पहले वो थी अब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब कोमल दीदी इनएक्टिव थी तभी वो प्रेग्नेंट भी थी और सभी का अंदाजा सही था कि वो प्रेग्नेंट है और अब नहीं है। इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि शायद उनका मिसकैरेज हुआ है। और आप लोगों को स्नेहा के ये वाले व्लॉग्स तो याद ही होंगे जिसमें कि उन्होंने बार बार गुड न्यूज की बात कही थी, तो शायद हो सकता है कि उस टाइम पर कोमल प्रेग्नेंट हो, क्योंकि बीच में उसे जब भी पूछा जाता था तो वो हमेशा ही मना करती हुई आई है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। और हो सकता है कि ये वाली वीडियो भी उसी टाइम की हो जो कि कोमल दीदी ने अपने इंस्टाग्राम पर अब अपलोड की है। तो गाइस, आपको जानकर कैसा लगा कि कोमल दीदी प्रेग्नेंट थी बट अब नहीं है और शायद उनका मिसकैरेज हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई वीडियो साथ। बाय।